गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या मिश्रा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, लाइट जलाने पर दिखाई नहीं दे रहा है। सो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं अपने मायके, क्योंकि आज हमारे यहाँ छठी मनाई जा रही है मायके में। और आपने इसके पहले व्लॉग देखेंगे, वो है ससुराल की। ससुराल में जो छठी मनाई गई और आज मायके में छठी मनाई जा रही है, तो वहाँ जा रहे हैं। क्योंकि एक्चुअली वहाँ पे लगाने वाला काजल है नहीं। हम तीनों बहनें तो अपने अपने ससुराल चले गए हैं, इस वजह से हम जा रहे हैं। दीदी जा रही हैं और इधर तन्वी जा रही हैं और नहीं बेटा, कृष्णा भी जा रहे हैं। कृष्णा आगे बैठे हुए हैं, सब लोग यहाँ से जा ही रहे हैं और अभी पहुँचने वाले हैं। ज़्यादा रात हो गई, 6:30 बज गए रात के, शाम के, सॉरी शाम के। 6:30 बजे, अभी 20 बचे। नहीं, 6:30 बजे तो मामा समोसा ले लेना। हमको भी दिमाग में यही था। मामा मेरे लिए भी। और घर जा रहे हैं तो खाली हाथ तो जाएंगे नहीं, तो सोचा मीठा ले लेते हैं। और ये बच्चे पार्टी के, क्योंकि हम लोगों का व्रत है आज प्रदोष है, इसी वजह से हमारा व्रत है, दीदी का है, वहाँ घर में भी मम्मी भाभी सबका आज व्रत है। और कृष्ण और तन्वी को समोसे खाने हैं, तो वही समोसे लेने के लिए भैया गए हैं। भैया आए हुए हैं हम लोगों को लेने के लिए, क्योंकि मम्मी का फ़ोन आया था कि किस मतलब वहाँ से आओगी ड्राइवर के साथ, कि यहाँ से किसी को भेजे, तो हमने कहा भैया को भेज देना। वही 6 बजे करीब, और 6 बजे भेजा और 6 बजते बहुत टाइम हो गया है। सो गाइज, अब हम लोग जा रहे हैं। वैसे आज वापस आ जाएंगे, रुकेंगे नहीं वहीं पर, हम लोग आ जाएंगे वापस। ओके सो गाइस, आप सबसे पहले मुलाकात होती है हम लोगों की। ओके यहीं बतरेंगे। देखो मेरी अम्मा बैठी रही है, मम्मी ढोलक की तैयारी कर रही है। बाकी ये मेरे मायके की छठी पूजन, देखिए डेकोरेशन की गई थी। अभी तक भोग भी नहीं लगा, देखो छठी का कढ़ी चावल रोटी बड़े सब है। ये देखिए ये किसके में भगवान जी हैं। अच्छा, देखिए मेरे मायके के छोटे चे एकदम प्याले चे कृष्ण भगवान जी। हम क्या, हम जा रहे हैं काजल लगाने के लिए। अपना लगाना भैया, बस से अपना लगाना। जैसे मेरे ससुराल में है, वैसे मेरे मायके में भी दो दो लड्डू गोपाल है एकदम। लगा हमें दीवाल में या इधर उधर हमें लगा दो सपना। अरे मारो ये देखिए इनके लगाने जा रही है, सबके लगाएंगे, सबके लगा पा रहे हो कि नहीं भगवान। हाँ भी रख दिया, नहीं घुमा लगा। अरे अरे लगा, फो
फोटो लाई थी मम्मी पूरी पूरी मुइया इतनी मोटी मोटी पूरी मुइया जा रही थी। आ चुके हैं अब तन्वी लगा रही है लड्डू गोपाल खेल बना दिया कृष्णा ने। ये देखिए राम देव क्या भगवान भोग लगाएंगे ना अभी उधर। ये देखिए कृष्णा जा रही है भोग लगाने के लिए। देखिए जो मम्मी ने बनाया है कढ़ी चावल भरे अब उसका भोग लगाएंगी कृष्ण भगवान को और खीर भी बनाई है मम्मी ने। ये देखिए कृष्ण भगवान के भोग लग रहा है। गई हैं दीदी के लिए दीदी और अब दीदी जमाने गई हैं। कढ़ी चावल बरे और दीदी को पैसे भी मिले हैं काजल लगवाई और काजल लगवाई मुझे भी मिले हैं मम्मी दे रही हैं मुझे भी रुपए। और तन्वी को भी मिले हैं और कृष्णा को भी मिले जो कृष्णा बने फूफा चाचा या कुछ भी बने हूँ। भगवान जी को खाना खिलाने के लिए कढ़ी चावल कृष्ण भगवान जी के जो फेवरेट हैं आज के दिन
नाश्ता करने के लिए देखिए टिक्की चटनी और मूली। मम्मी नाश्ता कर रही हैं और हम भी नाश्ता करने के लिए जा रहे हैं और पूजा हो गई है, अब सब नाश्ता कर रहे हैं। कृष्णा क्या खा रहे हो? टिक्की। आज मेरा तो प्रदोष व्रत है, हमारी मम्मी भाभी है दीदी का, मगर तुम क्यों खा रहे हो टिक्की? तुम्हारा तो व्रत नहीं है आज। मेरे फोन चला रहे हैं। मैं आ गई हूँ अपने घर, वहाँ पे मतलब नाश्ता वास्ता करके चले आए थे और इस टाइम मेरी तबीयत सही नहीं है क्योंकि वो पता नहीं क्या हो गया, फीवर भी बहुत मतलब तेज है फीवर भी। मैं जब से जन्माष्टमी हुई है मतलब जन्माष्टमी से मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही, पता नहीं क्या हो गया, एकदम सम करवा रहा है, मेरा तबीयत भी अच्छी नहीं रहती है। सो गाइस हम लोग बस जस्ट अभी अभी आए हैं और तभी भी हम लोग आए हैं, हम दीदी सब लोग आ गए हैं और वही 10 बजे करीब यहाँ से गए थे, वही 6 बजे करीब गए थे, 6:30 बज चुके थे, पहुँचते 7 बज गए, आप आए 10:30 बजे तक ही आ गए हैं। और अब मैं सीरियल देख रही हूँ अनुपमा, जो कि एडवर्टाइज आ रहा है उसमें। सो आप प्लीज़ पूरा वीडियो ब्लॉग देखिएगा मेरे मायके की, छठी कैसे होती है, कृष्ण भगवान की यहाँ कैसे होती, वहाँ कैसे होती है। ओके सो इनको जनाब को इनको देखो मैडम को क्या कर रही हैं। चलो ओके सो बाय गाइस, प्लीज एंड सो नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी मुलाकात होती है हमारी। ओके सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और तबीयत ख़राब इस वजह से मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं शूट कर पा रही हूँ क्योंकि अब मैं थोड़ा सा आराम करूँगी। ओके सो बाय गाइज़।